दोस्तों अभी क्रिसमस डे आ रही है और इसीलिए मैंने क्रिसमस डे पर एक केक बनाया है स्पेशली क्रिसमस डे के लिए। मैंने इस केक को बनाया है दोस्तों, आप देख सकती है कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है ये केक। खाने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ये केक, और साथ ही में मैं एकदम कम इंग्रेडिएंट्स और एकदम कम समय में इस केक को बनाया है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हम केक को बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले मैं नीर और मेरे नीर होम कुकिंग सेंटर में आप सबकी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक बर्तन लूँगी और मैं एक गिलास ठंडा दूध डालूँगी, और साथ ही में डालूँगी मैं आधा कप सरसों का ऑयल, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं डालूँगी एक कप चीनी शुगर, और हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध की साथ चीनी को। अभी मैं दूध को गर्म होने दूंगी ताकि हमारी चीनी आसानी से गल जाए। और देखिए हमारी दूध गर्म हो चुकी है, मैंने 3 इलायची को पीस कर डाल दिया है ताकि हमारी दूध की स्मेल अच्छी हो। अभी दूध गर्म है और मैं ठंडा होने के लिए कवर कर दूंगी कुछ समय के लिए। अभी मैं केक की बटर को तैयार करूँगी, इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1/2 कप मैंने लिया है आटा, मैंने और थोड़ा सा सूजी लिया है। दोस्तों मैंने जो दूध बनाया था वो दूध ठंडा हो चुकी है, और अभी हम केक की बटर बनाने के लिए मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एक साथ ज़्यादा नहीं डालूँगी। अगर एक साथ ज़्यादा डालूँगी तो हमारी केक की बटर पतला या गाढ़ा हो सकती है, इसलिए एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिश्रण को अच्छी तरह से चलाते रहिए ताकि हमारे मिश्रण में लम्स ना हो। मैंने थोड़ा और दूध डाला है और ज़ोर ज़ोर से करके हम मिश्रण को चलाते रहेंगे। दोस्तों ये देखिए हमारी बटर जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है, और मैं 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, और ये थोड़ा सा दूध रह गई है हमारी। अभी हम केक टिन को तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल से केक टिन को ग्रीस कर लिया है, और मैं घर में ही बनाए व्हाइट पेपर डालूंगी, आप चाहे तो बटर पेपर भी डाल सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा और तेल से ग्रीस कर दूंगी। अभी हमारी केक की बटर 15 मिनट हो चुकी है, 15 मिनट बाद मैं देख रही हूँ, देख सकते हैं हमारी जो केक की बटर है फूल गई है, सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। और मैं ये 1 पैकेट इनो डालूँगी, इनो डालने से हमारी जो केक है वो स्पॉन्जी और फूलने में बहुत मदद करती है। आप इनो की जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है देख सकते हैं। और अभी मैं केक टिन पर केक की बटर ट्रांसफ़र करेंगे, केक की बटर को अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हमारे केक में लम्स ना हो। मैंने पहले ही पैन को कूल होने के लिए दिया था हाई फ्लेम पर, और मैं केक को बेक करने के लिए डालूँगी। ये देख सकते हैं हमारी जो केक की टाइम है बहुत दोस्तों ऊपर नीचे हो सकती है, और अभी मैं कवर कर दूँगी। दोस्तों अभी हम केक की क्रीम बनाएंगे, ये जो हमारी थोड़ी सी दूध रह गई थी उसी दूध में मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड किया है, और उसके बाद मैं डालूँगी ये 1/2 कप मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से हम डालेंगे, और ये मैं डालूँगी 2 चॉकलेट, और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमें क्रीम को सलाते रहना चाहिए, मैं सला रही हूँ, और हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, देख सकते कितनी गाढ़ा हुई है। लगभग 40 मिनट बाद हम केक को देखेंगे, और देख सकते हैं हमारी केक एकदम परफेक्ट बनी है, और एक नाइफ से हम देखेंगे हमारी नाइफ एकदम क्लीन अप है, और हमारा केक बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हमारी केक ठंडा हो चुकी है, और हम केक को डिमोल्ड करेंगे, एक नाइफ से हम केक को अच्छी तरह से डिमोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों अभी हम प्लेट पर निकल रही है केक को, और देखिए अच्छी तरह से हमारी केक जो है निकल कर आ गई है, और हम अभी व्हाइट पेपर को केक से निकाल देंगे देख सकते हैं। और एक मैं प्लेट लूँगी और केक को मैं पलट दूँगी, ये देखिए मैंने केक को पलट दिया है, कितनी परफेक्ट और यम्मी केक बनी है। दोस्तों ये जो मैंने केक क्रीम बनाई थी अभी हम केक के ऊपर अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। कितनी आसान से मैंने इस केक को बनाया है, और खाने में तो बहुत टेस्टी होती है, बस की मदद से मैं क्रीम को चारों ओर लगाऊंगी। आप ये केक बिना क्रीम की भी खा सकते हैं, वैसे भी ये केक बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए दोस्तों मैंने केक को अच्छी तरह से क्रीम से डेकोरेट कर लिया है, केक के ऊपर सुंदर देखने के लिए मैं ये एकदम इजी तरीका है दोस्तों, ये चीनी की दाना
मैं डालूँगी। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर ये एकदम इजी तरीका है। दोस्तों हमारी क्रिसमस डे स्पेशल केक बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी बनी है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और कितनी आसान तरीके से मैंने केक को बनाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं केक को कट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सॉफ्ट बनी है केक, और साथ ही में बहुत स्पॉन्जी भी है ये केक, बहुत ही डिलीशियस है केक। दोस्तों एक बार ज़रूर घर में इस केक को बनाकर खाइए। तो दोस्तों मेरी अगर केक की रेसिपी देखकर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी की वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ, और एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए।